हाय गाइस, बड़ा क्रेजी में आप सभी का बहुत दिनों बाद स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्कूल में जो इस्तेमाल हम करते थे वो रबर्स के बारे में, जो कि है अप्सरा कंपनी से। पहला रबर है नॉन डस्ट वाला ग्रिपो, वाइट कलर वाला। ये इरेजर जो है या रबर जो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। स्कूल में ऐसे इसके ऊपर टेक्सचर्स या ये लाइंस नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी ये आ गई है। और ये रबर के ऊपर जो काला काला निशान आपको दिख रहा है, वो इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने 3 साल से इस रबर को अपने ड्रॉवर के अंदर ही रखा था। ये जैसे कोई धूप में जाने के बाद इंसान टैन हो जाता है टी शर्ट के नीचे, ये वैसा ही कुछ हुआ है। और ये है दूसरा इरेजर या रबर जिसका नाम है मैट मैजिक इरेजर फॉर नीट एंड डस्ट फ्री इरेजिंग। तो आज हम इन दोनों रबर को घिस के देखेंगे। ये रबर मुझे बहुत एक ही रीज़न की वजह से पसंद है कि यार ये ब्लैक कलर है और थोड़ा सा येलो इसके बीच में मस्त तड़का ही लगा देता है, तो ये येलो के वजह से मैंने इस रबर को ख़रीदा था। ये छोटे वाइट रबर की कीमत है 5 रुपये और ये ब्लैक रबर की कीमत है 3 रुपये। तो चलिए हम लिखते हैं हमारे चैनल का नाम, जो कि है बड़ा क्रेजी इंडियन या फिर बड़ा क्रेजी। और इंडिया के आए हमेशा कैपिटल होते हैं, उसे मत भूलना, क्योंकि इंडिया हमारी कंट्री है। सो ये रबर से हम जो भी लिखा हुआ है उसे रब करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा रबर सबसे ज़्यादा कचरा बनाता है। तो देख सकते हैं वाइट रबर ने आसानी से जो भी लिखा था सब चले गया, लेकिन कचरा पीछे वो छोड़ गया है। ये कचरा फूंक मार के उड़ा देते हैं। ये है ब्लैक कलर का रबर। इसको घिस के रब करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन ये भी अच्छा रबर है, कोई ख़राबी नहीं है इस रबर में। इसमें से भी कुछ कचरा निकल रहा है, देखिए लंबा पतला सा कचरा ब्लैक कलर का। इसको भी फूंक मार के हम भगा देते हैं। फूंक थोड़ी देरी से आई। ये देखिए इसके ऊपर हमने लिखा था, ये वाइट रबर से हमने इरेज किया है, एकदम चकाचक क्लीन हो चुका है। और ये जो ब्लैक इरेजर से हमने क्लीन किया था वो थोड़ा थोड़ा रह गया है, क्योंकि शायद से मैंने दबा दबा के लिखा था। तो आप ऐसा मत कीजिए, एक रबर तो ले लीजिए